आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में, जो कि 10th क्लास का मैथ्स का एक टॉपिक है। नाउ इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ में देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। अभी देखो मेरे हाथ में कुछ पेन है, रेड, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन कलर। सपोज मैं इसको अलग कर देती हूँ और इनमें से बिना देखे एक पेन पिक करती हूँ, तो क्या चांसेस है कि मेरे हाथ में जो पेन आया है वो रेड है या ब्लू है या ब्लैक है। तो इसी चांस को, कितनी पॉसिबिलिटी है कि मेरे हाथ में जो पेन आया है वो किसी एक पर्टिकुलर कलर का है, उसी को हम कहते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी। दैट इज, ये जो मैंने अभी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया इसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट, और ये जो आउटकम्स आ रहे हैं कि रेड है, ब्लैक है, ब्लू है या ग्रीन है, दीज आर डिफरेंट इवेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। अब ये जो आउटकम आ रहे हैं, दीज आर डिफरेंट आउटकम्स, अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर एंड सो ऑन। सो व्हेन वी आर स्टडिंग दिस क्लासिकल और थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इवेंट को, इवेंट क्या है यहाँ पर, एक ब्लैक कलर का पेन निकला या ब्लू कलर या ग्रीन कलर। सो इवेंट को हम यूजुअली डिनोट करते हैं कैपिटल ई से, और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। दिस इज एक्सप्लेन एज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यानी कि इन्हीं पेन्स के केसेस में अगर मैं लेती हूँ, टोटल पेन मेरे पास कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल पेन मेरे पास 5 है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, कितने रिजल्ट आ सकते हैं अगर मैं एक पेन पिक करती हूँ। कलर मेरे पास कितने हैं, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन एंड रेड, 4। सो 4 आउटकम्स, टोटल मेरे पास कितने केसेस है, 5, और कलर्स कितने हैं, 4। सो टोटल आउटकम्स हमारे पास हो गए 5, अब इन 5 में से मेरे पास 2 ब्लैक कलर हैं, एक रेड है, एक ब्लू है और एक ग्रीन है। यानी कि अगर मैं जानना चाहती हूं कि अगर मैंने एक पेन पिक किया तो वो पेन जो है रेड कलर का है या ब्लू कलर का है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके चांसेस क्या है, तो इसके लिए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 5 है। अब इनमें से रेड के फेवर में कितने हैं, रेड पेन यानी कि हमारे पास कितने हैं, सिर्फ एक ही है। सो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड पेन इन दिस केस इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, इस केस में हमारा एक ही है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 5 है, सो प्रोबेबिलिटी इन दिस केस फॉर रेड पेन इज 1/5। और ऐसे ही अगर मैं जानना चाहूंगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक पेन, ब्लैक कलर, सो वो हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक पेन विल बी इक्वल टू, अब इन 5 में से मेरे पास ब्लैक कितने हैं, 1, 2, सो फेवरेबल कितने हुए, 2 आउट ऑफ टोटल 5, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक पेन इज 2/5। क्लियर? सो आई होप कि बेसिक आइडिया आपको क्लियर हो गया। प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं, किसी भी इवेंट के चांसेस कितने हैं वो हमें पता लगाना होता है। ओके, नाउ देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज दैट वी यूज, किसी भी कुछ assumptions जो हम लेते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या आता है, हमारे पास एक प्योर नंबर आता है, जैसे कि आपने देखा 1/5 विच इज इक्वल टू, अगर आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे 0.2, 2/5 विच इज इक्वल टू 0.4, अभी दोनों ही नंबर जो क्या है, 0 से बड़े हैं और 1 से छोटे हैं। सो इनको ध्यान में रखते हुए कुछ रूल्स हम यूज करते हैं। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी एक नंबर होती है, प्योर नंबर, जो कि 0 और 1 के बीच में होती है।
यानी कि इट कैन बी 0.1, 0.2, 0.115 या 0.999, बट 0 और 1 के बीच में होती है और इन दोनों को इंक्लूड करके। अब 0 कब होगी प्रोबेबिलिटी? जब किसी भी इवेंट के होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आज मंडे है, क्या चांसेस है कि कल वेनसडे होगा? हमें पता है मंडे के बाद हमेशा ट्यूसडे ही होगा, सो कल वेनसडे होगा, इसके चांसेस क्या है? 0। और ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। सो इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? 0। ठीक है नाउ, अब आज मैंने लिया था मंडे है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि कल ट्यूसडे है? आज अगर मंडे है तो मंडे के बाद में ट्यूसडे की होगा, तो श्योरिटी है हमें कि कल ट्यूसडे होगा, तो इस इवेंट को इसको हम कहते हैं कि श्योर इवेंट है और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। सो सच एन इवेंट इज नोन एज श्योर इवेंट और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। बाकी सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी इन दोनों के बीच में, यानी कि 0 और 1 के बीच में ही होती है। नाउ लेट्स सपोज कि किसी भी चीज के होने की, लाइक जैसे मैंने इस केस में किया था कि ब्लैक पेन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है मेरे पास? 2/5। अब मैं जानना चाहती हूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरे पास ब्लैक पेन नहीं आएगा, दैट इज। अब इसी एग्जाम्पल में अगर हम ले, ब्लैक पेन के आने की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 2/5, तो नहीं, ब्लैक नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 3/5। एक तरीका ये है कि हम वो ब्लैक पेन हटा के उसके अलावा जो है वो हमारे फेवरेबल हो जाएंगे, 3/5। दूसरा तरीका क्या है? हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी ब्लैक पेन की, अगर मैं इसको इवेंट ई लू तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या हो जाएगा? इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इस एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो वो हो जाते हैं 1 माइनस 2/5 बाय टेकिंग एलसीएम 5 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3/5, जो कि सेम है हमारा इस वाले केस के। क्लियर? यानी कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, तो उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। We really hope that you liked our video as well as gained some useful info. We will continually post more and more interesting and informative videos in the upcoming future. So, please share our videos as much as possible. Hit the like button, subscribe to our channel, and don't forget to press the bell icon.